हेलो फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का पार्ट फोर। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इसमें आप लोगों ने 16 जो रूल नंबर थे वो पढ़ लिए थे आपने कल। आज हम लोग 17 से पढ़ेंगे। तो देखिए, हमारा 17 नंबर का जो रूल है, जब दो सब्जेक्ट नॉट ओनली बट आल्सो से जुड़े हो, किससे जुड़े हो, नॉट ओनली बट आल्सो से जुड़े हो, तब भी वर्ब अपने पास वाले सब्जेक्ट के अनुसार लाई जाती है। ऐसा एक रूल और पढ़ाया था मैंने आपको, जिसमें आइदर और, नाइदर और से जुड़े हुए वाले, तो वहाँ भी आपने पास वाली जो आप लोगों के सब्जेक्ट होगा उसके हिसाब से हम लोग लेंगे। ठीक है, तो यहाँ देखिए एग्जांपल, देखिए इसका नॉट ओनली से जुड़ा हुआ है और ये बट आल्सो से, यानी एक सब्जेक्ट तो ये रहा और एक सब्जेक्ट ये रहा, यानी दो सब्जेक्ट जब जुड़े होंगे किससे जुड़े होंगे, नॉट ओनली बट आल्सो से, तो आपको वर्ब के नज़दीक वाला सब्जेक्ट कौन सा, तो हमारी वर्ब क्या है, ये रही वर्ब, मान लो यहाँ पे रिक्त स्थान है, तो आपको इसके पास वाले, पास में क्या है, पास में आपके द टीचर्स, क्या है, द टीचर्स, द प्रिंसिपल है पास में या द टीचर्स है, तो आपने देखा कि द टीचर्स पास में है वर्ब के, तो आप लोग यहाँ पे जो वर्ब भरोगे किसके हिसाब से भरोगे, द टीचर्स के हिसाब से भरोगे। द टीचर्स क्या, हमारा प्लूरल सब्जेक्ट, तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब यूज होती है, यानी हम लोग यूज करेंगे वर्ब, कौन सी वर्ब यूज करेंगे, वर्ब। ठीक है, नेक्स्ट देखिए इसमें एक और, ये है हमारा फर्स्ट सब्जेक्ट द स्टूडेंट्स, और एक है हमारा द क्लास टीचर, सेकंड सब्जेक्ट द क्लास टीचर। वर्ब के नज़दीक, मान लीजिए यहाँ पे रिक्त स्थान दे रखा है ये, तो इसके नज़दीक कौन सा वाला सब्जेक्ट है आपके, इसके नज़दीक सब्जेक्ट है आप लोगों के द क्लास टीचर, ये अपना सिंगुलर, और ये वाला कौन सा था, हमारा प्लूरल था, लेकिन हमको वर्ब के नज़दीक वाला, यानी रिक्त स्थान के नज़दीक में क्या है, द क्लास टीचर, ये हो गया हमारा सिंगुलर, सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए हम लोग कौन सा यूज करेंगे वर्ब भी, सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे, यानी वाज का यूज करेंगे। नेक्स्ट है, नॉट ओनली द डॉक्टर बट आल्सो द नर्सेज ऑफ दिस नर्सिंग होम। ठीक है, नॉट ओनली द डॉक्टर बट आल्सो द नर्सेज, तो ये नॉट ओनली से और बट आल्सो से जुड़ गया, तो फर्स्ट सब्जेक्ट हो गया हमारा द डॉक्टर और सेकंड सब्जेक्ट हो गया हमारा द नर्सेज। ठीक है, लेकिन हमें नज़दीक वाले, तो नज़दीक वाले यानी यहाँ पे ही हमारा रिक्त स्थान है, इसके नज़दीक क्या है, द नर्सेज या द डॉक्टर, तो आपने देखा नज़दीक है हमारे द नर्सेज, तो द नर्सेज के हिसाब से हम लोग क्या यूज़ करेंगे, प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे, क्योंकि नर्सेज क्या है, हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब यूज करेंगे, तो हमारा क्या यूज होगा, यहाँ पे आर का यूज होगा, यानी ये आइदर और, नाइदर और के सेम, उनके जैसा ही है। ठीक है, नेक्स्ट रूल देखिए आप, इसमें देखिए मैनी, एक गुड मैनी, एक ग्रेट मैनी, ध्यान दें, मैनी, एक गुड मैनी, एक ग्रेट मैनी का यूज बहुत के अर्थ में होता है, किसके अर्थ में होता है, बहुत के अर्थ में, अनिश्चित संख्या के लिए होता है। इसका प्रयोग सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में होने पर इनके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब का यूज होता है, किसका यूज होता है, प्लूरल वर्ब का यूज होता है। फ्रेंड्स, मैनी, ए गुड मैनी एंड ए ग्रेट मैनी के लगभग 3 या 4 रूल हैं। ठीक है ना, एक एक को बहुत बारीकी से समझा रहा हूँ, समझ रहे हैं इन्हें, देखिए फिर से मैं बता रहा हूँ, यानी ये जब सब्जेक्ट के रूप में आए, ये तीनों ध्यान दें, या तो मैनी आए, या एक गुड मैनी आए, या एक ग्रेट मैनी आए, सब्जेक्ट के रूप में आए, यानी इनके बाद में कोई भी आपको नाउन या प्रोनाउन नहीं दिया हुआ हो, एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा। देखिए फर्स्ट एग्जाम्पल है, मैनी आर एबसेंट फ्रॉम द क्लास, मैनी आर एबसेंट फ्रॉम द क्लास, तो यहाँ पे ये रिक्त स्थान दे दिया और ये हमारा सब्जेक्ट रूप में आ गया मैनी। तो जब भी मैनी और ये तीनों जो मैंने वर्ड बता रखे हैं, इनमें से कोई भी सब्जेक्ट रूप में आएगा, तो इनके बाद हमेशा प्लूरल वर्ब का यूज होगा, तो मैनी के साथ किसका यूज करोगे, प्लूरल वर्ब आर का यूज करोगे, अब आपको ऑप्शन में दे दे इज और आर में से क्या यूज करोगे, आर। नेक्स्ट देखिए एग्जाम्पल, देयर आर 500 बॉयज इन दिस स्कूल एंड, अब देखिए ये दे दिया ए गुड मैनी, मैंने आपको बताया ये सब्जेक्ट रूप में ही, अब आपको कैसे पता चलेगा ये सब्जेक्ट रूप में, इनके बाद कोई भी आपको नाउन नहीं मिलेगा और ना ही इनके बाद आपको प्रोनाउन मिलेगा, ये फर्स्ट रूल है इसका, ध्यान दें, ए गुड मैनी, अब यहाँ पर रिक्त स्थान दे दिए, तो आपको मैंने आप बताया है प्लूरल वर्ब का यूज करना, अगर बाज वर्ब में से बर्बाद हो तो आप यूज करते बर, ठीक है, हैज वर्ब में से बर्बाद है यहाँ पे, तो आप क्या बरते हैव, अब इज आर में से यूज करवाएगा तो आपको क्या लगाना है, यहाँ पे आर यूज करना है, क्योंकि मैनी, ए गुड मैनी एंड ए ग्रेट मैनी, इन तीनों के बाद जब ये सब्जेक्ट रूप में आते हैं, तो इनके बाद हमेशा
प्लूरल वर्ब का यूज होता है। किसका यूज होता है? प्लूरल वर्ब का यूज होता है। नेक्स्ट रूल देखिए अभी इसी का, के मैनी, ए ग्रेट मैनी, ए गुड मैनी, ये वर्ड मिल जाए ठीक है, लेकिन इनके अभी ये सब्जेक्ट रूप में नहीं आएंगे। ये मिले और इनके तुरंत बाद आपको क्या मिल जाए? प्लूरल नाउन मिल जाए या फिर क्या मिल जाए? प्लूरल प्रोनाउन। अभी मैंने आपको जो इससे पीछे वाला मैंने रूल समझाया था उसमें आपको ये प्लूरल नाउन और प्लूरल प्रोनाउन नहीं मिल रहे थे, वहाँ पे ये तीनों वर्ड खुद सब्जेक्ट बने हुए थे। यहाँ पे इनके बाद में क्या है? प्लूरल नाउन और प्रोनाउन का होना ज़रूरी है। और जब ये कंडीशन होगी या फिर आपको ये देख लीजिए, ये कंडीशन मिल जाए या फिर आपको मिले इनके बाद ऑफ लगा हुआ मिल जाए, मैनी ऑफ, ए ग्रेट मैनी ऑफ, ए गुड मैनी ऑफ, और बाद में क्या मिल जाए इनके? प्लूरल नाउन या प्लूरल प्रोनाउन मिल जाए, तो आपको हमेशा किसका यूज करना है इनके बाद? प्लूरल वर्ब का यूज करना है। किसका यूज करोगे? प्लूरल वर्ब का। बस ध्यान रखना जब ये खुद सब्जेक्ट के रूप में आएंगे तब भी हम लोग प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे, लेकिन उनके बाद में क्या है? कोई भी नाउन या प्रोनाउन नहीं होगा। इनमें अब देख लीजिए, इनमें प्लूरल नाउन या प्रोनाउन का होना ज़रूरी है, या फिर इनके बाद में अगर आपको ऑफ लगा हुआ मिल जाए तब भी आप लोग प्लूरल वर्ब का यूज करोगे। एग्जाम्पल देखिए इनके, अब मैनी स्टूडेंट्स हैव पास्ड। देखिए यहाँ पे मैनी है और मैनी के बाद में ये आपको मिल गया नाउन या प्रोनाउन, नाउन या प्रोनाउन। तो यहाँ पे देखिए नाउन दिया हुआ है, स्टूडेंट्स प्लूरल नाउन है, क्या यूज करोगे अब? प्लूरल वर्ब यूज करोगे यानी हैव का यूज करोगे। हैज वर्ब में से जब आपको फिल करवाएगा तो क्या यूज करोगे? हैव का यूज करोगे। नेक्स्ट देखिए, ए गुड मैनी ऑफ, या तो ऐसे मिल जाए मैनी मैनी, ए गुड मैनी, इनके बाद में आपको प्लूरल नाउन मिल जाए ठीक है, या फिर आपको ऑफ वाला भी मिल सकता है। मैंने अभी दोनों बताया आपको, ए गुड मैनी ऑफ, और इसके बाद अब ये देखिए ये नाउन नहीं है, यहाँ पे प्लूरल प्रोनाउन मिल गया। क्या मिल गया? ये प्लूरल प्रोनाउन। तब भी आप लोग इस कंडीशन में क्या यूज करोगे? प्लूरल वर्ब का यूज करोगे यानी हैव का यूज करोगे। वाज वर्ब में से यूज कर वर्ब का, इज आर में से यूज करवाएगा तो आर का ठीक है। इसी के जैसा एक और रूल देखिए, अब अभी आपने पढ़ा था शुरू में मैनी, ए गुड मैनी, ये सारे जब खुद ही सब्जेक्ट के रूप में आए ठीक है, उसके बाद अभी जो आपने रूल पढ़ा उनमें इन सब के बाद में क्या मिलेगा आपको? प्लूरल नाउन या प्रोनाउन। अब ये नेक्स्ट देखिए, इसमें क्या है? मैनी के बाद में आपको आर्टिकल मिलेगा ए और एन, दा की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, ए और एन। यदि मैनी के बाद आपको आर्टिकल ए मिल जाए या मैनी के बाद आपको आर्टिकल एन मिल जाए और इनके बाद मिल जाए आपको सिंगुलर काउंटेबल नाउन, एक वचन गिनने योग्य संज्ञाएं मिल जाए, क्या क्या मिल जाए? मैनी ए प्लस सिंगुलर नाउन, काउंटेबल नाउन यानी गिनने योग्य संज्ञा, तो आप लोग उस कंडीशन में क्या यूज करोगे? सिंगुलर वर्ब का यूज करोगे। यानी अभी तक आप लोगों ने पिछले जो दो रूल पढ़े थे उनमें प्लूरल वर्ब का यूज किया था, लेकिन जब मैनी और ये तीन वर्ड जो मैंने बताए इनके बाद क्या मिल जाए आपको? मैनी के बाद में आर्टिकल मिल जाए ए और एन, तो आप लोग सिंगुलर वर्ब का यूज करोगे। एग्जाम्पल से क्लियर हो जाए, देखिए ये मैनी ए मिल गया, मैनी ए के बाद में आपको मिलना चाहिए था सिंगुलर काउंटेबल नाउन, तो हमारे ये आगे देखिए सिंगुलर काउंटेबल नाउन बॉय, मैनी ए या मैनी एन सिंगुलर काउंटेबल नाउन मिल गया, तो आप लोग क्या यूज करोगे? सिंगुलर वर्ब। तो हमने वर्ब यूज की है गो और गोइज में से भरना है आपको, मान लीजिए गो और गोइज में थे तो क्या भरोगे? गोइज भरोगे, क्योंकि गो तो क्या है? प्लूरल वर्ब है, और एस या एस वाली कौन सी होती है? सिंगुलर वर्ब होती है, तो हम लोग गोइज का भरेंगे ठीक है। एक और एग्जाम्पल देख लीजिए इसका, मैनी के बाद मिल गया आपको एन, या तो ए मिल जाए या फिर एन मिल जाए, और क्या मिल जाए? सिंगुलर काउंटेबल नाउन, तो ए मिल गया आपको एप्पल, तो आप लोग क्या यूज करोगे? सिंगुलर वर्ब का यूज करोगे, तो वाज और वर्ब में से क्या यूज करना पड़ेगा? वाज का यूज करना पड़ेगा ठीक है। इस प्रकार इनको बनाते हैं हम लोग। नेक्स्ट रूल देखिए आप लोग, ए नंबर ऑफ, ए लार्ज नंबर ऑफ, या फिर लार्ज नंबर ऑफ, ध्यान दें तीनों वर्ड कौन कौन से? ए नंबर ऑफ, ए लार्ज नंबर ऑफ, या फिर क्या मिल जाए? लार्ज नंबर ऑफ। इनका प्रयोग भी हम लोग बहुत के अर्थ में करते हैं। किसके अर्थ में करते हैं? इन तीनों का यूज बहुत के अर्थ में करते हैं, और इनके बाद हमेशा प्लूरल नाउन का यूज होता है। किसका यूज होता है? हमेशा इनके बाद प्लूरल नाउन का यूज होता है, और प्लूरल नाउन के साथ फिर हम लोग प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं। एग्जाम्पल देखिए इसका, ए नंबर ऑफ मिल गया ठीक है, इनके बाद क्या मिलता है? प्लूरल नाउन टीचर्स, और जब प्लूरल नाउन आ जाएगा तो प्लूरल नाउन के साथ क्या यूज करेंगे हम लोग? प्लूरल वर्ब यूज करेंगे, यानी वाज वर्ब में से क्या यूज करना पड़ेगा हमको? वर्ब का यूज करना पड़ेगा। ध्यान दें, यहाँ पे मैंने लिया है एग्जाम्पल में ए नंबर ऑफ, आपको इस जगह पे ए लार्ज नंबर ऑफ भी मिल सकता है या फिर लार्ज नंबर ऑफ भी मिल सकता
है, समझ लेना। ये तीनों किसको शो करते हैं, ये शो करते हैं बहुत के अर्थ में यूज़ होता है, और प्लूरल सब्जेक्ट को या प्लूरल नाउन को शो करते हैं, और प्लूरल नाउन या सब्जेक्ट के साथ फिर हम लोग प्लूरल वर्ब का यूज़ करते हैं। ठीक है, वाज वर्ब में से क्या यूज कर लिया हमने, वर्ब का यूज़ किया। नेक्स्ट रूल देखिए, अब बोथ सेवरल वेरियस, ध्यान दे तीनों वर्ड, बोथ सेवरल वेरियस का प्रयोग सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में होने पर इनके साथ प्लूरल वर्ब का यूज किया जाता है। ध्यान दें, यानी इनके बाद में कोई भी आपको नाउन प्रोनाउन नहीं मिले, ये खुद ही सब्जेक्ट के रूप में आए। कौन कौन से वर्ड, बोथ सेवरल और वेरियस। एग्जांपल देखिए, ये बोथ, बोथ के बाद में देखिए यहाँ पे कोई भी नाउन या प्रोनाउन नहीं है। ये सेवरल वाला एग्जाम्पल भी देख लीजिए, इसके बाद भी देख लीजिए, आप लोगों को कोई भी नाउन या प्रोनाउन नहीं दिया गया है। तो जब ये सब्जेक्ट के रूप में आए तो इनके बाद हमेशा प्लूरल वर्ब यूज होते हैं। तो देखिए, इसके बाद मैंने आर का यूज किया, इसके बाद भी आर का यूज किया। बाज वर्ब में से यदि फिल करवाते तो आप लोग क्या यूज करते, वर्ब का यूज करते। हैज वर्ब में से यूज करवाते तो क्या यूज करते, हैव यूज करते। ठीक है, तो जब बोथ सेवरल और वेरियस का प्रयोग सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में आएगा, यानी जब ये वर्ड खुद सब्जेक्ट के रूप में आएंगे, तो हम लोग हमेशा इनके बाद प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है आप लोगों के एग्जाम्पल, सॉरी रूल्स, बोथ सेवरल वेरियस, देख ले फिर से वापस ऐसा ही, बोथ सेवरल वेरियस के बाद जब आपको प्लूरल नाउन मिल जाए, अभी ऊपर वाले में आपने देखा ये तीनों वर्ड सब्जेक्ट के रूप में आ रहे थे, यहाँ इनके बाद में क्या है, आपको प्लूरल नाउन और मिलेगा, और जब प्लूरल नाउन मिलेगा तो फिर वो प्लूरल सब्जेक्ट होगा, और उसके बाद हमेशा प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। ऊपर वाले में प्लूरल वर्ब का यूज किया, लेकिन वहाँ पे कंडीशन अलग थी। कंडीशन क्या थी, वहाँ पे तीनों वर्ड खुद ही सब्जेक्ट के रूप में आ रहे थे, ठीक है, उनके बाद कोई नाउन प्रोनाउन नहीं दिया गया था। यहाँ पे ये तीनों वर्ड के बाद में आपको नाउन मिलेगा, वो भी कैसा मिलेगा, प्लूरल नाउन मिलेगा, और जब प्लूरल नाउन मिलेगा तो फिर उनके साथ में आप लोग प्लूरल वर्ब का यूज करोगे। एग्जाम्पल देखिए इनके, देखिए बोथ, बोथ मिल गया, बोथ के बाद में ये देखिए प्लूरल नाउन दे दिया, इसमें सेवरल मिल गया, सेवरल के बाद में ये देखिए क्या मिल गया आपको, प्लूरल नाउन मिल गया। ठीक है, ध्यान देना, बोथ प्लूरल नाउन, सेवरल प्लस प्लूरल नाउन, और जब प्लूरल नाउन मिलेगा तो आप लोग यूज करोगे प्लूरल वर्ब का, यानी आर का। बाज वर्ब में से किसका यूज करोगे, वर्ब का। बस रूल के, रूल को फॉलो करें। रूल में देखिए ये क्या कह रहा है, इन तीनों के बाद में प्लूरल नाउन का होना जरूरी है, और ऐसी कंडीशन होगी तो हम लोग प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। देखा आपने, ये बोथ और सेवरल दिए हुए, इनके बाद प्लूरल नाउन का यूज हुआ है, तो हम लोग यूज क्या करेंगे, इधर प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। ठीक है, यानी बोथ गर्ल्स आर इंटेलिजेंट, सेवरल बॉयज वर प्रेजेंट। नेक्स्ट रूल है देखिए, अब देखिए जब इनके बाद में आपको ऑफ मिल जाए, क्या मिल जाए इनके बाद में, ऑफ, बोथ ऑफ, सेवरल ऑफ, वेरियस ऑफ, और इनके बाद साथ में मिल जाए आपको प्लूरल नाउन या प्लूरल प्रोनाउन। ध्यान दें, जब आपको मिले बोथ ऑफ, सेवरल ऑफ, वेरियस ऑफ प्लस प्लूरल नाउन या प्रोनाउन, तो इनके साथ सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में होने पर हम लोग क्या यूज करेंगे, प्लूरल वर्ब का यूज करते, यानी तीनों कंडीशन में अभी तक आपने देखा प्लूरल वर्ब का यूज किया, बस कंडीशन अलग अलग हो गई है इनकी। ठीक है, देखिए ये बोथ ऑफ का यूज हुआ है या सेवरल ऑफ का यूज हुआ है, ये प्लूरल नाउन का यूज हो गया, यहाँ पे प्लूरल प्रोनाउन का यूज हो गया, पीपी जो मैं लिखा प्लूरल प्रोनाउन, ठीक है, देम इनका यूज हुआ, तो हम इस कंडीशन क्या यूज करेंगे, प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। इस आर में से क्या यूज करोगे, आर का, वाज वर्ब में से यूज करोगे वर्ब का। बस कंडीशन देख लें आप, कंडीशन क्या कह रहा है, कंडीशन में कह रहा है इनके बाद में मतलब ऑफ लगा हुआ है और साथ में क्या दे रखा है, इसमें प्लूरल नाउन दे दे या प्लूरल प्रोनाउन दे दे, तो आप लोग उस कंडीशन में क्या यूज करोगे, उस कंडीशन में यूज करोगे प्लूरल वर्ब का यूज करोगे। ठीक है, तो ये बोथ ऑफ हो गया, सेवरल ऑफ हो गया, ये प्लूरल नाउन हो गया, ये प्लूरल प्रोनाउन हो गया, और हम लोग यूज करेंगे प्लूरल वर्ब का, किसका यूज करेंगे, प्लूरल वर्ब का। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये आज के सारे रूल्स समझ में आए होंगे। यदि आज की वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा साथ में बेल आइकन के बटन को दबा दें, इससे मेरी आने वाली वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। थैंक यू।